ओम शांति। उन्नीस सौ दस 1910 वैज्ञानिकों का एक दल उत्तरी ध्रुव की ओर गया, नॉर्थ पोल। बहुत बड़ी जहाज, सारी सामग्री और साइंटिस्ट्स का वो दल, वो टीम एक्सपीडिशन, खोज के लिए, संशोधन के लिए नॉर्थ पोल की ओर गई और वहाँ पर मौसम खराब हो गया। और उनकी नाव, उनकी जो शिप थी, वो उसमें फंस गई बर्फ में। जहाज का जो कप्तान था, उसका अनुमान था कि 3 मास तो जहाज यहीं फंसी रहेगी। भोजन की सामग्री थी, पानी भी था, सब लेकर गए थे, परंतु जो सबसे बड़ी दिक्कत आई उस टीम को, 30-40 वैज्ञानिक उस शिप में थे, वो ये थी कि बाकी तो चीज़ें थी परंतु सिगरेट नहीं थी। और वो सभी सिगरेट पीने के एडिक्ट थे। कप्तान ने कहा कि अपनी सिगरेट्स थोड़ी कम करो, पर कोई भी राजी नहीं था। उनको उतनी ही चाहिए थी जितने वो पीते हैं। और धीरे धीरे जो सिगरेट थी उसकी क्वांटिटी, जो स्टॉक था, वो कम होने लगा। परंतु वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। और सिगरेट जब सारी खत्म हो गई तो वो लोग उस जहाज की जो रस्सियां है, वो रस्सियों को जला जला कर पीने लगे। कप्तान ने देखा, ये क्या कर रहे हो, 3 मास के बाद हम बाहर कैसे जाएंगे, वापस कैसे जाएंगे। परंतु उन्होंने कहा, 3 मास, 3 मास तो बहुत दूर की बात है, हम अभी मर जाएंगे, हमें कुछ तो चाहिए जो सिगरेट जैसा है। जब बहुत ज़्यादा मना किया तो उन्होंने चोरी कर कर के सिगरेट को जलाई, वो रस्सियों को जलाया, कपड़ों को जलाया, किताबों को जलाया, पर सिगरेट जैसा धुआं उनको चाहिए था, किसी भी हाल में चाहिए था। ऐसी दयनीय अवस्था में वो पहुंच गए। आखिरकार 3 मास बाद वो जहाज लौट आया और ये खबर अखबार में छपी 1910 में। एक व्यक्ति था जो उस समय ट्रेन में बैठा था, जो खुद चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर अर्थात एक सिगरेट पूरी हुई नहीं कि दूसरी चाहिए, इस हद तक उसका एडिक्शन था। स्टुअर्ट पेरी नाम था उस व्यक्ति का। वो स्टुअर्ट ने ये कहानी अखबार में पढ़ी, पढ़ रहा था, और जब पढ़ रहा था तब भी सिगरेट उसके हाथ में थी, जली हुई थी, आधी जल चुकी थी। और जैसे उसने वो कहानी पढ़ी, उसके मन में विचार आया
ये तो सारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, हाईली एजुकेटेड, इनकी ये अवस्था हो गई। अगर मैं उनके जगह होता तो मेरी क्या हालत होती, मेरा भी तो ऐसा ही एडिक्शन है। क्या मैं भी चुरा चुरा कर रस्सियों को जलाकर सिगरेट समझकर पीता, किताबों को जलाता, कपड़ों को जलाता? क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है, इतनी गहरी है कि उसमें लॉजिक काम नहीं करता। बस व्यक्ति को चाहिए और उसको पाने के लिए हर प्रकार का जस्टिफिकेशन, हर प्रकार की का एक्सक्यूज़, हर प्रकार का बहाना वो बना सकता है। कोई रीजनिंग, कोई तर्क, कोई लॉजिक वहाँ नहीं चलता। बस चाहिए मतलब चाहिए। वो स्टूवर्ड अखबार पढ़ रहा है, ट्रेन में बैठा है, हाथ में सिगरेट है, जल रही है और ये खबर अखबार में छपी है, और वो सोच रहा है अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरी भी तो ऐसी ही हालत होती, मैं उनकी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ता जो उन्होंने किया। और उसी समय उसके मन में विचार आता है और वो आधी जली हुई सिगरेट, वो ऐश ट्रे होता है जिसमें वो रखते हैं, वो आधी जली ही सिगरेट ही वहाँ उसमें रख देता है और संकल्प करता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आज के बाद इस सिगरेट को मैं उठाऊंगा नहीं, अगर मैंने उठाया तो मैं ये समझूंगा कि तूने मेरा परित्याग कर दिया है, ये मेरा तुझ पर फेथ है। इसके बाद, इसके पहले भी कई बार मैंने कोशिश की है पर कभी सफल नहीं हुआ है। ये एक ही कमजोरी है बस जीवन की, और वो सिगरेट वहाँ आधी ही जलती हुई रख देता है। अगर मैंने वापस उठाई तो यह परीक्षा मेरी नहीं तेरी है, किसकी? भगवान की। और उसने लिखा 19, ये घटना घटी 1910 में, 1940 में उसने लिखा, वो सिगरेट आज भी वही है आधी। 30 साल गुजर गए और मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। प्रश्न है आप सभी से, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? इसके पहले भी कई बार कोशिशें की उसने, और वो जैसे कहा कोई मामूली स्मोकर नहीं था, चेन स्मोकर। चेन स्मोकर की परिभाषा अर्थात अभी जो सिगरेट पी रहा है वो अभी जल ही रही है तो दूसरी तैयार चाहिए, उसे कहा जाता है चेन स्मोकिंग। इतनी गहरा, इतना गहरा एडिक्शन। और ये नहीं कि उसे पता नहीं ये खराब है, ये नहीं कि उसने कोशिशें नहीं की, कोशिश तो की थी, पर उस दिन जो किया वो ऐसा क्या था, केवल दृढ़ता ही कि और भी कुछ? क्या बाप? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सीखते हैं सबसे पहला दृढ़ता, और वो दृढ़ता एक दिन की नहीं थी, 30 साल। नहीं मतलब नहीं, नो इज अ कंप्लीट आंसर, नहीं बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करनी है, बस नहीं। फिर सामने वाला खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें उसे जस्टिफाई, उसे एक्सप्लेनेशन, हम उसे बताने की, उसे खुश करने की, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें समझ में आ गया कि ये नहीं है अर्थात नहीं, नो मीन्स नो,
नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस. मना कर दिया उसने संकल्प के साथ. और संकल्प कब लिया गया, किस अवस्था में, कहाँ, किस मनस्थिति में संकल्प लिया जाता है, कौन से स्थान पर, कौन से समय में, किस जगह, किस परिस्थिति में, किन लोगों के सामने, वो सब कुछ मैटर्स. उसके मन में एक स्थिति उत्पन्न हुई कि मेरी भी ये हालत हो जाएगी, मैं इतना दयनीय, इतना गुलाम हो जाऊंगा कि जला जला कर छुप छुप के रस्सियाँ जलानी पड़ेगी, कपड़े जलाने पड़ेंगे, कागज जलाने पड़ेंगे. नहीं. तो चैप्टर नंबर वन, लेसन नंबर वन, दृढ़ता. दूसरा, एडिक्टिव फोर्स कितना ज्यादा है, ऑब्सेशन हो जाता है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, कि बस करना ही है, करना ही है, करना ही है, करना ही है. लॉजिक कहता है नहीं नहीं नहीं, पर मेंटल रिवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन में ऐसी वायरिंग हो गई है, एक ट्रैक्ट ही फॉर्म हो गया है. वीक मोमेंट्स, कमजोर क्षण जो होते हैं जीवन के, उसमें व्यक्ति बराबर उसी ट्रैक पर चला जाता है. सोचता है इस व्यक्ति से दूर रहूं, पर कमजोर पल आते हैं, बराबर वहीं पहुंच जाता है. वीक मोमेंट्स, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कमजोर पल आते हैं. उन कमजोर पलों का ज्ञान, उन कमजोर पलों को आइडेंटिफाई करना, उन कमजोर पलों की पहचान, ट्रिगर्स की पहचान, क्या हुआ तो वो इच्छा जागती है, उन ट्रिगर्स को हटा देना. तो एडिक्शन बहुत बड़ा फोर्स है. और एडिक्शन केवल बीड़ी सिगरेट, दारू, तंबाकू, इन बातों का नहीं है. मेंटल एडिक्शंस, इमोशनल एडिक्शंस, व्यक्ति का एडिक्शन, देह का एडिक्शन, किसी विचार के पैटर्न का एडिक्शन, किसी बिलीफ सिस्टम का एडिक्शन, स्वभाव का एडिक्शन. स्वभाव शिकंजे में हर चेतना जकड़ी हुई है, उससे बाहर नहीं निकल पाती. वही दिनचर्या एक बना के रखी है, पता है उसे इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, पर शिकंजा है, ट्रैप. फ्रॉम आउट दिस डार्कनेस माई सोल शैल अराइज नेवर मोर. कभी लिखता है, इस अंधकार से ऐसा लगता है मेरी आत्मा कभी निकल नहीं पाएगी, ऐसा घना अंधकार, ऐसी घनी निराशा छा जाती है. द डार्क नाइट ऑफ द सोल. अध्यात्म में ऐसे जब पल आते हैं तो उन्हें कहा जाता है अंधकार में रात्रि. तो दूसरा लेसन क्या सीखा, एडिक्शन बहुत गहरे हैं, उनके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना है, अपने जीवन के वीक मूवमेंट्स आइडेंटिफाई करना है, यहां मैं कमजोर बनता हूं, बाकी समय शक्तिशाली है. 24 घंटों में से 23 घंटे शक्तिशाली है, केवल वो एक घंटा है जहां कमजोर पड़ता हूं, केवल वो 10 मिनट है जहां कमजोरी आती है. और वो आती ऐसी है कि वो 10 मिनट बाकी सभी घंटों के लिए पश्चाताप का समय बन जाता है. ये दूसरा. तीसरा, जब हमने सारे प्रयत्न कर चुके, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद में सरेंडर टू द हायर पावर. उसने क्या किया, जलती हुई सिगरेट को रख दिया और किसका आह्वान किया, उस परमात्मा का. शायद उस परमात्मा में उसमें इतना फेथ भी नहीं है, परंतु उसने क्या कहा, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि
कि मैं इसे उठाऊं ही ना। सरेंडर, समर्पण। तो दृढ़ता तो है, परंतु दृढ़ता के साथ समर्पण जोड़ दिया, इसलिए वो दृढ़ता निरंतर दृढ़ता बन गई। जब सब कुछ करके नहीं हो रहा है, क्या कर दो? अर्पित कर दो। ये तीसरा लेसन है। चौथा लेसन, हर व्यक्ति अपने एडिक्शन के लिए जस्टिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण देता है, ये मैं कर रहा हूं क्योंकि ये कारण है, इसलिए मैं राइट हूं। रावण के पास भी इतने सारे तर्क थे, बहुत सारे तर्क थे, वह अत्यंत बुद्धिमान था, हर बात के लिए उसके पास तर्क था। उसे पता था मैं अभिमानी हूं, अहंकारी हूं, और उसे यह भी था कि हां मैं हूं अहंकारी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने जीरो से सब स्टार्ट किया और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो क्यों अभिमानी ना हूं। हर प्रकार का उसके पास तर्क था। मेरी बहन के साथ ऐसा किया, इसलिए मैंने सीता का अपहरण किया, सब बात के लिए उसके पास तर्क थे। तो जब भी व्यक्ति एडिक्ट होता है, तब वो जस्टिफिकेशंस देने लगता है, जैसे जहाज के वो वैज्ञानिकों ने जस्टिफिकेशन दिया कि यही हमारा जीवन है, भोजन नहीं मिला तो चलेगा, पानी नहीं मिला तो चलेगा, पर सिगरेट हमें चाहिए, चाहे यहां से कभी बाहर निकले ही ना तो भी चलेगा, वो भी स्वीकार करने को तैयार है, पर वो चाहिए। तीन बातें हैं, एक है आदत, एक है एडिक्शन व्यसन, और तीसरा है संस्कार। तीनों में क्या अंतर है? एक है आदत, एक है व्यसन, और तीसरा है संस्कार। ये किस तल पर काम कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? एक है चेतन मन, एक है अवचेतन मन। चेतन मन ऊपर है एक भाग, और जो नौ भाग है वो नीचे है। हिमखंड जो होता है ऊपर से जो दिख रहा है वो चेतन मन है, जो नीचे है वो अवचेतन है, बीच में एक बैरियर है जिसको प्री कॉन्शियस कहते हैं। तो आदत, एडिक्शन एंड संस्कार किस तल पर काम कर रहे हैं? संस्कार नीचे और एडिक्शन ऊपर, आदत ऊपर, तीनों ऊपर। तीनों अगर ऊपर है तो लॉजिक ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, तो हो गया काम, पूरा हो गया, होगा ही नहीं। पर व्यक्ति दिन भर संकल्प करता है आज नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, और शाम को अपने आप मधुशाला, पैर अपने आप जाते हैं, वो नहीं जाता है, पैर जाते हैं, दोष पैरों का है, अपने आप जाता है। रोज आदत पड़ गई है दोपहर में डिपार्टमेंट से सीधा डाइनिंग में जाने की, एक दिन कुछ और काम है और याद भी है और किसी से मिलना है, परंतु पैर अपने आप उधर, क्योंकि ट्रैक क्रिएट है, एक मेंटल ट्रैक क्रिएट करके रखा है। तीनों ही सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर रहे हैं। आदत जो है वो अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक, कॉन्शियस थोड़ी ना है, वो ऑटोमेटिक है। पर आदत यहां है, सबकॉन्शियस में भी लेयर्स है, सबसे ऊपरी तल जो है वो आदत का है, उसके और नीचे एडिक्शन। व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है, छः छः महीना रिहैब सेंटर में रह के आते हैं, जिस दिन रह के वापस आते उस दिन वापस से पीना चालू करते, छः मास ना मोबाइल साथ में था, छः मास ना कोई रिश्तेदार मिलने आया, छः मास सुबह से लेके रात तक एक्सरसाइज, क्लासेस और साथी जो दूसरे एडिक्ट है उनका संग,
सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस AA, ऐसे संगठन बने हुए हैं अल्कोहलिक्स के लिए। हमारे कई सारे पेशेंट्स हैं माउंट में ही रहने वाले, जोधपुर में जाते हैं, वहाँ पर रिहैब सेंटर में रहते हैं, जिस दिन आते हैं उस दिन पीना चालू, रिश्तेदार दूसरे दिन वापस भर्ती करके आते हैं। इससे काम नहीं हुआ 3 माह से, फीस बहुत ज़्यादा, उससे नीचे गहरा है एडिक्शन। एक तो आदत है, आदत को अगर कोई दृढ़ संकल्प कर ले और गहरा अनुभव हो जाए तो एकदम उठना चालू कर देगा अमृत वेला, जो आज तक कभी उठा नहीं था। आदत बन जाएगी धीरे धीरे, 3 दिन, 7 दिन, फिर 21 दिन। 21 ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, 21 डेज। हॉस्पिटल में भी इस समय एक भाई जी है जिनका एम्पुटेशन हो गया है, पैर को काट दिया गया है क्योंकि नीचे गैंग्रीन हो गया था, सड़ गया था। मेडिकल किताबों में लिखा है कि पेशेंट को लगता है मेरा पैर है कटने के बाद भी, उसको कहते हैं फैंटम लिम्ब। इसलिए कई बार वो बिस्तर पर बैठा है, लेटा हुआ है और फिर कोशिश करता है चलने का और गिरता है, फिर उसको याद आता है अरे मेरा पैर ही नहीं है। उसको 21 दिन लगते ये स्वीकार करने को कि मेरा पैर नहीं है, मिनिमम, ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी को कम भी। उसी तरह प्लास्टिक सर्जरी होती है फेस की, कोई प्लास्टिक नया फेस स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को 21 दिन लगते, उसी तरह नए कमरे में जाने के बाद पूरा सेट होने के लिए 3 दिन, पर एग्जैक्ट 21 डेज। तब तक ऐसा लगता है ये मेरा नहीं, इसलिए 21 फिगर पर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। तो एडिक्शन थोड़ा गहरा है, और उससे भी गहरा क्या है, संस्कार, जो स्वभाव ही बन गया है, नेचर बन गया है, मैं और वो एक ही है। जैसे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप स्वभाव काम कर रहा है। एडिक्शन तो भी रोका जा सकता है, पर जहां स्वभाव ही बन गया है वहां पर बहुत मुश्किल है। परंतु परमात्मा महावाक्य है कि स्वभाव को बदलना है, पर काम बहुत गहरा है। किसी का रोने का स्वभाव है, उसको खाली, उसको क्या पता नहीं रोना नहीं चाहिए। किसी का दुखी होने का स्वभाव है, उसे पता नहीं कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु अवसर ही ढूंढते रहता है कब दुखी हूँ, कोई मुझे कब कुछ कहे और मैं दुखी हूँ। तैयार है, अगर कोई कुछ कहता नहीं है तो उस दिन अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं लग रहा, इसके लिए अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा अच्छा नहीं लगना मतलब दुखी होना, तो वो भी तो एक क्या बन गया है, स्वभाव का हिस्सा बन गया है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, एक शब्द को अंडरलाइन करो, कौन सा? एक जगह कहा निरंतर दृढ़ता और दूसरी जगह कहा निरंतर अटेंशन। जब तक दृढ़ता नहीं, जब तक अटेंशन नहीं, तब तक सफलता नहीं, जब तक सफलता नहीं तब तक प्रत्यक्षता नहीं। सफलता किस में? संकल्प में, बोल में, कर्म में, सेवा में, संबंध संपर्क में। दृढ़ता को लाओ। दृढ़ता को लाना अर्थात केवल दृढ़ संकल्प कर लेना, बस उतना ही नहीं, दृढ़ता को लाना अर्थात हर दिन उसको रिवाइज करना है। दृढ़ता को लाना अर्थात एक विजन बोर्ड बनाना है, अपने कमरे में एक विजन बोर्ड बनाओ और उसमें लिखो कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये करना है। अपने आप को याद दिलाना है बार 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 बार। लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता, लक्ष्य है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, याद दिलाओ ये लक्ष्य है। विजन बोर्ड, अफर्मेशंस, ये दो चीजों का काम, दो टूल्स है पावरफुल। एक है अफर्मेशन, अफर्मेशन अर्थात टूल्स, अफर्मेशन अर्थात स्वमान, आत्म सुझाव। तीन चार दिन पहले एक यूथ 19 ईयर ओल्ड, यहाँ का ही है, उसका कहीं सिलेक्शन होना है, वो OPD में आया था
तो उसको रनिंग करनी है 1600 मीटर, और 4 ही दिन बाकी है, 16 तारीख को है, 12 को आया था। डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दे दो, एकदम कमजोरी लग रही है, बस मुझे दौड़ना है, पूरे शरीर में पेन हो रहा है, पर कोई इंजेक्शन दे दो बस। हमने कहा इंजेक्शन से नहीं होगा, यू क्रिएट अफॉर्मेशंस। उसको अफॉर्मेशंस की एक लिस्ट दी हमने 10, कि उसको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। एक तो अफॉर्मेशंस उसमें लिखा है, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, मेरी स्पीड बहुत बढ़ रही है, मैं इतने मीटर इतने मिनट में पूरा कर रहा हूँ। क्रिएट संकल्प, संकल्प दी। वो आया था इंजेक्शन लेने, उसको ये दे दिया हमने, ये सब लिए, क्लिक करके गया। एक तो ये, और दूसरा है विजुअलाइजेशन, मन की आंखों में देखना। जिस एडिक्शन से फ्री होना है, अपने आप को देखो कि मैं वैसा हो चुका हूं, मेरा जो संपूर्ण रूप है वो आकर मुझसे गले मिल रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे हैंडशेक कर रहा हूं, उसे दृष्टि दे रहा हूं, दृष्टि ले रहा हूं, गले मिल रहा हूं, सब कुछ करो। किससे? अपने संपूर्ण स्वरूप से। किसी को रोने की आदत है तो अपने संपूर्ण स्वरूप रोने से मुक्त है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी दुनिया रो रही है, संपूर्ण स्वरूप नहीं रोता। हर व्यक्ति का अपना संपूर्ण स्वरूप है। दुखी होने की आदत, रोने की आदत, बार बार बीमार पड़ने की आदत, वो भी आदत ही है। एक व्यक्ति संकल्प से बीमार पड़ता है, सोचता है मैं बीमार क्यों नहीं पड़ रहा इतने दिनों से। सब लोग इतने जाके जो एडमिट होते हैं, हम कब एडमिट होंगे? सब लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कितने लोग मिलने आते हैं, दुश्मन भी मिलने आ जाते हैं फूल लेकर। हमारे भी तो बहुत दुश्मन हैं, वैसे तो आते नहीं है, कोई बड़ा कुछ हो जाए तो शायद मिलने भी आ जाए, कोई ऑपरेशन ही हो जाए तो हमको कुछ होता ही नहीं। ऐसे भी लोग दुखी है, ये भी एक कैटेगरी है दुखी लोगों की। कभी कभी ऐसी सलाइन जब लगती है तो सीना ऐसा एकदम फूल जाता है, जब सलाइन के ड्रॉप्स को देखते हैं, एक गिरता हुआ, आह हा हा, बहुत अच्छा लगता है। और जब लोग आके पूछते हैं कैसे हो अब, और उनको कहना थोड़ा ठीक लग रहा है, तो बहुत खुशी होती है। ऐसे भी है कैटेगरी। तो दृढ़ता, तो आज की अव्यक्त मुरली 4 या 6 बातें हैं, उसमें मुख्य सबसे पहला अमर भाव के वरदानी। बाबा किसकी माला देख रहे हैं? 108 वालों की नहीं, अमृत वेला किसकी माला? अमर भाव के वरदानी उसकी माला देख रहे। अर्थात जब से बाबा के बने अब तक चल रहे, इसमें 2 बातें हैं। एक तो वो जिन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया, ज्ञान ही छोड़ दिया। दूसरी कैटेगरी वो जो ज्ञान में है, यहां पर है, परंतु ज्ञान योग को छोड़ दिया है, पुरुषार्थ को छोड़ दिया है। ये 2 कैटेगरीज है। एक तो सीधा सीधा छोड़ दिए, टाटा बाय बाय ब्रह्मा कुमारीज, अभी नहीं आएंगे, और अपने ग्रुप्स भी बना के रखे हैं, वेबसाइट भी बना के रखे हैं, अनुभव भी शेयर करते हैं, पर अनुभव में ये भी जतलाते हैं कि हमको वापस भी आना है। ऐसे भी लोग हैं, XBK, एक वो है, ऊपर से तो दिखाते हैं पर अंदर से बहुत इच्छा है कि कोई कारण बन जाए और वापस आ जाए। मतलब दुखी तो है, क्योंकि उन्हें भी पता है सत्य एकमात्र यही है, और इसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। एक ये वो कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो यही है, जो ज्ञान में ही है, वाइट ड्रेस बैच वो सब कुछ है, मुरली भी है, अमृत वेला भी है, परंतु मन से पुरुषार्थ छोड़ चुके हैं। अमर भव, बाबा ने किसकी माला देखी?
अमर भाव के जो वरदानी हैं, जो अभी भी चल रहे, और उस चलने का आधार क्या है? कुछ 10 बार आधार बताओ कि इस ज्ञान को पकड़ के रखे और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहे। पहला, अमृत वेला। जब जब व्यक्ति अमृत वेला छोड़ देता है, धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है ज्ञान में। दूसरा, मुरली का चिंतन मनन। मुरली क्लास में जा रहे हैं, बैठते हैं, परंतु मुरली धारण करने से कोई लेना देना नहीं है। वो एक नियम है, एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता निभा रहे हैं, दैट्स इट। मुरली को समझना, धारण करना तो वो एक अलग ही चीज है। इस मुरली में कहा ना बाबा ने टीचर्स को, एक बहुत नया शब्द इस मुरली में आया, मुरली का तख्त मिला है टीचर्स को। कौन सा तख्त? वो 3 तख्त तो हमेशा सुने, ये 4th तख्त है जो खाली टीचर्स को मिला है। मुरली का तख्त, सुनाना और धारण करना। तो ज्ञान को पकड़ के रखना है, अव्यक्त मुरलियों को पकड़ के रखना है। जैसे जब मुरलियां छूटी तो स्थिति नीचे। तीसरा, परमात्मा प्रेम। इस मुरली में वरदान में कहा है सब धोखेबाज है, सब आजू बाजू पीछे जो भी बैठे है, अल्पकाल के सहारे है, तिनके है, हद के सहारे है। छत्र छाया एक बाप ही है बस। अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ना है इस ज्ञान योग में तो एक ही मंत्र है, असंग हो जाओ, निसंग हो जाओ, अकेले हो जाओ, सबको हटा दो। ये जो सब है ना, उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने ही गड़बड़ की है। नो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? नो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। क्या होता है ये प्रोग्राम? नो मैसेज, नो कॉल, नो ईमेल, नो व्हाट्सएप, नो कम्युनिकेशन, नो डिस्कशन किसी भी तरह से। उनका जिनसे कांटेक्ट है उनसे भी कांटेक्ट नहीं, नहीं तो याद दिलाएंगे। कांटेक्ट के कांटेक्ट का भी त्याग। व्यक्ति शक्तिशाली तब है जब वो अकेला है, जब मौन में है, जब अंतर्मुखी है, जब प्रकृति के सानिध्य में है, जब आत्मचिंतन में है, ज्ञान चिंतन में है, जब परमात्मा प्रेम में खोया हुआ है। केवल यही छोटी कुछ अवस्था है जब वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे भीड़ अंदर घुसती है, शक्तियां कम होती है, बाह्य मुक्ता आती है, व्यक्ति खो जाता है। हमें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए एक्चुअली, न ज्ञान, न प्रेम, न भोजन, सब कुछ भीतर है। मैं आत्मा अपने आप में संपूर्ण हूं। कैसा समान है ये? मैं आत्मा अपने आप में संपूर्ण हूं, मुझे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई रिश्ता नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। ना प्यार चाहिए तुम्हारा, ना सद्भावना चाहिए, ना सहानुभूति चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, ना केयर चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना सिंपति चाहिए, ना हॉस्पिटैलिटी चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए। तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वुमन, आई डोंट नीड यू। मैन, आई डोंट नीड यू। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र हूं। किसी को अंदर घुसने देना अर्थात अपनी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज करना, हटा दो सबको। किसको कॉल करना है, किससे बात करनी है? जिसको जरूरत होगी वो बात करेगा, कॉल करेगा, हम भी 1 मिनट में बात करेंगे, फोन नीचे। अंधेरे कोनों में घुस घुस के कहां बातें चल हुए? मधुबन में आए हैं, बाबा से काम है, और किससे? संसार से कट ऑफ, ब्लॉक, अनसब्सक्राइब, अनफ्रेंड, रिजेक्ट, पुट इन स्पैम। जब तक ये कट ऑफ नहीं होता है
तब तक इधर कनेक्शन नहीं जुड़ता, डिसकनेक्ट टू रीकनेक्ट। तो सबसे पहली बात अमृत वेला, दूसरी बात ब्रह्मचर्य, दूसरी बात मुरली, तीसरी बात ब्रह्मचर्य। जब जब ब्रह्मचर्य डिस्टर्ब होगा, पंक्चर्ड होगा, ब्रेक होगा, तब तब बाबा से प्यार अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएंगे उससे। और ब्रह्मचर्य का ब्रेक अर्थात वो काम विकार तो बहुत ही स्थूल बात है, मनसा लगाओ, मनसा आसक्ति, मनसा चाह, कोई चाहिए, किसी का संग चाहिए, कोई अच्छा लगता है, दीज आर ऑल ब्रेक्स ऑफ ब्रह्मचर्य। ये मार्ग तो अकेले का ही है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। भीड़ भाड़ का यहाँ कोई काम नहीं है, कौन माँ कौन बाप कौन बहन कोई भाई कौन भाई कौन बेटा कौन बेटी, भीड़ ने गड़बड़ कर रखी है। हाँ, संबंध निभाओ, तोड़ निभाओ, कर्तव्य करो, परंतु अपने इनर चैम्बर में मैं अकेला हूं। ब्रह्मचर्य, मुरली, अमृत वेला, परमात्मा प्रेम, श्रीमत मर्यादाएं, जब जब इनों को छोड़ेंगे तब तब बुद्धि भटकेगी, तब तक अमर भाव का वरदान खत्म। योग, शक्तिशाली योग, अशरीरीपन का बार बार अनुभव, कई बार अनुभव, और वो पावरफुल अनुभव, हल्का फुल्का नहीं, जिसकी याद बनी रहे दिन में कि हाँ वो जो अमृत वेला अनुभव हुआ था, वो जो बैठे थे और शरीर से अलग हो गए थे, डिटैच्ड। अगला भोजन, भोजन से अत्यधिक जिनकी आसक्ति है वो यहां लंबा समय नहीं टिक सकते, निरासक्त हो जाना, क्रेविंग से परे चले जाना, भूख, भूख केवल भोजन की ही भूख नहीं है, कितनी प्रकार की भूख है, व्यक्तियों की भूख, शरीर की भूख, नाम की भूख, मेरा 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 की भूख। तो ये इतनी सब बातें हैं, ये सब होगा तो अमर रहेंगे, इनमें से कुछ छूटा टूटा कि खत्म, खलास। यहां है सब कुछ कर रहे परंतु ऊपर से बाबा को तलाक दे चुके हैं, मेंटल डिवोर्स। दूसरी पॉइंट आज की मुरली से, ए फॉर अमर भव, बी ब्राह्मणों की विशेषता। बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण विशेष है, विशेष रहेंगे, हर एक में विशेषता है, परंतु इन विशेषताओं का क्या क्या करो, आप बताओ, विशेषताओं का क्या क्या करो। पहला, सेवा नहीं, विश्व सेवा के प्रति अर्पित करो, अर्पण करो अपनी विशेषता को। दूसरा, इसे परमात्मा देन समझो। तीसरा, अपनी विशेषताओं को परमात्मा देन समझेंगे तो उन विशेषताओं में शक्तियां भर जाएगी। अगर निगेटिव वे में यूज करोगे तो अभिमान आएगा, हमेशा एक खतरा बना रहेगा, अभिमान या अपमान का। पांच प्रकार के अभिमान इस मुरली में बताए हैं। पहला, ज्ञान का, हम जैसा कोई चिंतन और करता नहीं। ये भी कोई चिंतन है तुम्हारा? चिंतन होना चाहिए ऐसा। ज्ञान का अभिमान, योग का अभिमान, हम 2 बजे उठते हैं और दिन भर लड़ाई करते हैं, वो अलग ब्रैकेट में। पावर भी ज्यादा है। तीसरा, सेवा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हम वो भी करते, ये भी करते, वो भी करते, वो भी करते, वो भी करते। लास्ट संडे की मुरली में था ना, एक दिन में 8 क्लास कराओ, कुछ भी कराओ, कुछ फायदा नहीं। कितने शिविर कराओ, कोर्स कितने भी करा लो, निगेटिविटी,
लास्ट संडे वाली मुरली, वृत्ति, योग का अभिमान, उसके बाद में असेवा का अभिमान, उसके बाद बुद्धि का अभिमान, गुणों का अभिमान, किसका अभिमान। भारत में एक बहुत महान व्यक्तित्व कभी हुए थे, कालिदास। उनके जीवन में वर्णन है कि कालिदास बहुत प्रकांड पंडित थे, बहुत सम्मान था, नाम चीन सब जगह उनकी प्रसिद्धि थी। एक बार किसी एक गांव से दूसरी गांव में, गांव की तरफ जा रहे थे और बीच में अकेले थे, बहुत प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई, एक झोपड़ी दिखी, झोपड़ी में गए, देखा एक छोटी सी कन्या पानी भर रही है कुएं में। उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पानी दोगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो कहती है पानी तो मैं दूंगी, पहले अपना परिचय दो। वो कहते हैं पानी पीने से परिचय से क्या संबंध, मुझे प्यास बहुत लगी है, पहले पानी दो फिर मैं परिचय देता हूँ। और उसको थोड़ा दुख भी होता है कि मैं इतना फेमस और ये मुझे जानती नहीं, कैसे लगता है हम इतने फेमस और सामने कोई पूछे आप कौन हो, बुरा लगता है ना। कहीं भट्टी कराने जाओ और बहन जी आके पूछे भाई जी आपका नाम क्या है, कोई छोटी बहन आपका परिचय है क्या लिखा हुआ। हम सोचते हैं हमारा परिचय तुमको पहले से पता रहना चाहिए, और जो परिचय लिखा उसकी एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, अगर दो लाइन कम पड़ती तो दुख होता है। तो उसको बड़ा दुख होता है कि तुम मुझे नहीं जानती। वो उनसे कहता है तुम्हारे घर में कोई बड़ा होगा ना तो उसको शायद पता होगा मैं कौन हूँ, तुम अभी पानी दो। वो कहती नहीं पानी तो मैं तभी दूंगी जब तुम अपना परिचय दोगे। वो कहती मैं बहुत, अभी क्या करे कोई है भी नहीं आसपास और अपना परिचय खुद को देना है। वो कहता मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और बहुत प्रसिद्ध हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। तो कहती है नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, शक्तिशाली आप कैसे हो सकते हो। वो कहती है, वो कहता है हाँ महेश बहुत हूँ। वो कहती है नहीं अपना परिचय दो। तो वो फिर अपना परिचय चालू करता है। वो कहता है मैं यात्री हूँ बटोही। उस कन्या कहती है यात्री तो केवल दो है, एक सूरज एक चांद, तुम कैसे यात्री हुए। पहले अपना परिचय दो। कहता है अच्छा ठीक है अभी क्या बताऊं। वो कहता है मैं मेहमान हूं। कन्या कहती मेहमान तो केवल दो ही है, एक धन और यौवन, तुम मेहमान कैसे हुए। वो कहता है मुझे प्यास लग रही है बहुत, प्यास से गला सूखा जा रहा है, मुझसे बोलते नहीं आता है। वो कहती है नहीं मुझे अपना परिचय दो। अपना पानी भी भरती है और निकल जाती है घर के अंदर, घर से एक बूढ़ी माता आती है वो पानी भरने लगती है। वो कहता है आप मुझे पानी दो माता। वो कहते हैं पानी तो मैं दूंगी। वो माता कहती है पहले अपना परिचय दो। तो मैंने क्या परिचय दूँ, आप तो बूढ़ी हो, आपको भी नहीं पता मैं कौन हूँ, आपने तो तुरंत पहचान लेना चाहिए था, महाकवि महाप्रकांड कवि कालिदास। वो कहती है नहीं अपना परिचय दो। तो कहते हैं क्या परिचय दू। वो कहता है मैं हटी हूं, हट करने वाला। वो कहती है हटी तो दो ही, तुम झूठ कह रहे हो, एक नख और एक केश। ये नख होता है ना, ये हटी है वो बढ़ते ही जाता है, और ये केश, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहती है अपना परिचय दो। वो तब तक घुटनों के बल गिरता है, कहता है मैं मूर्ख हूं। वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे, मूर्ख तो दो ही लोग हैं, एक तो वो राजा जो योग्य नहीं है राजा बनने के फिर भी राजा बना गया, और दूसरे वो उसके दरबारी जो उसकी खुशामत करते। तब तक वो साष्टांग दंडवत कहता है अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं, अब देना है तो दो नहीं तो छोड़ो। तब तक सरस्वती देवी प्रकट होती है, ऐसा कहानियों में दिखाया है। उसकी परीक्षा थी कि तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें इतना घमंडी बना दिया है। सच्चा ज्ञान तो विनय प्रदान करता है, विनम्र बनाता है, पर जो ज्ञान अहंकार से भरता है वो ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ और है।
हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो भी बाहर के लोग जो गेस्ट आते हैं हम उनको ज्ञान ही सुनाएं, हम ये क्यों नहीं सोचते उनसे भी हमें कुछ सीखना है, ये कभी नहीं सोचते। हम सोचते हैं पकड़ के उसको आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, उसको पकड़ के ट्रेन में अगर कोई मिल गया तो आत्मा परमात्मा से चालू करते ब्रह्मचर्य तक एंड करते, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी और ये सेंटर का एड्रेस, यहाँ जाना और ये मेरा भी नंबर, बताना गए कि नहीं गए। रहम तो करते परंतु बेरहमी से, हमारे वाइब्रेशंस भी तो कुछ है, सबको सभी कुछ। बाबा ने कहा नब्ज देखकर, जैसे एक भाई के लिए कहते हैं ना, ट्रेन में बैठा था एक, दूसरा भाई कहता है अरे तुम ज्ञान नहीं सुनाते, वो कहते हैं मेरे पास रत्न है पत्थरों पे थोड़ी फेंकूंगा, बीज है जो योग्य है उनके लिए, जो इंटरेस्टेड है जिनकी रुचि है। तो विशेषताओं का अभिमान नहीं, विशेषताओं को क्या समझेंगे, देन है, मुझे प्राप्त है, ऊपर से दिया गया है, इसे विश्व सेवा में जितना अर्पित करूंगा अपने आप ये बढ़ता जाएगा, शक्तियां भरेगी उसमें, ईश्वरीय शक्तियां पावर आ जाएगी जैसे ही हम समर्पण करते हैं अपने आप को, ये मेरा नहीं तेरा कार्य। अंगद ने पैर रख दिया ना, बस इसको उठा लो, अगर उठा लिया तो सीता तुम्हारी सारी सेना वापस चली जाएगी, किष्किंधा तुम्हारा, अयोध्या भी तुम्हारी, केवल पैर हटा दो, ये ढीला दो बस। परंतु वहां संकल्प जोड़ दिया पैर के साथ, पैर नहीं था वो, संकल्प था, राम का संकल्प जोड़ दिया उसके साथ। तो जब संकल्प जुड़ जाता है, निश्चय जुड़ जाता है, समर्पण जुड़ जाता है, तब तो कोई नहीं ला सकेगा। तो ये पांच बातों का अभिमान है, इनको हटाओ, नहीं तो क्या होगा, जिसको अहंकार ज्यादा है उसको अपमान भी उतना ही फील होगा। एक तो अपमान होता है एकांत में किया हुआ, और एक होता है सभा के बीच में जब अपमान होता है, स्टेज पर अगर कोई अपमान कर दे सामूहिक तो दुख ज्यादा होता है। जितना ज्यादा अहंकार उतना अधिक फीलिंग, बाबा ने क्या शब्द यूज किया, फील होगा अपमान इंसल्ट। दादी जानकी ने एक बार क्लास कराई थी ओम शांति भवन में, ब्राह्मणों के पास इंसल्ट सहन करने की शक्ति बहुत कम है, दूसरा इंसल्ट कर रहा है अपमान कर रहा है, परंतु यदि हम अपने स्वमान में है तो हमारा कोई हमारी इंसल्ट कभी भी नहीं कर सकता। ये इंसल्ट की वजह से तो कितनों ने ज्ञान छोड़ दिया, मधुबन छोड़ दिया। तो दूसरी बात है विशेषता होगी। तीसरा सी कांस्टेंट जो हमने चर्चा की है, निरंतर दृढ़ता, निरंतर अटेंशन। अटेंशन की क्या परिभाषा है, अटेंशन अर्थात सजगता, अटेंशन अर्थात माइंडफुलनेस, अटेंशन अर्थात वॉचफुलनेस, अटेंशन अर्थात विजिलेंस, अटेंशन अर्थात अलर्ट, अटेंशन अर्थात सावधान, निरंतर सावधान, निरंतर जागृत, अटेंशन अर्थात आत्मअभिमान, अटेंशन अर्थात होश बोध, अटेंशन अर्थात अवेयरनेस, अटेंशन अर्थात फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड, अटेंशन अर्थात और भी कुछ है चौकन्ना, वो सारे एक ही शब्द है वैसे तो समानार्थी। अटेंशन वो चेतना की अवस्था है जब हम जागृत है, हम सोए नहीं है, हम बेहोश नहीं है, हम सजग है, निरंतर सजग, निरंतर जागृत, और जागृत अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहाभिमान। जागृत है, क्लास करा रहे तब जागृत है, क्लास नहीं करा रहे तब जागृत है, मुरली सुना रहे तब जागृत है, मुरली नहीं सुना रहे तब जागृत है, भीड़ में है तब जागृत है, एकांत में है तब जागृत है,
बोल रहे तब जागृत है, चल रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, परंतु सब कुछ किस में हो रहा है? जागरण। तस्मात जागृत जागृत जागृत, योगी की तो परिभाषा ही है जागरण, अवेकनिंग, निरंतर जागरण, संबोधि, वो बोधि की अवस्था। और इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान का निरंतर चिंतन। इसके लिए क्या चाहिए? अशरीरीपन का बार बार अभ्यास, रूहानी ड्रिल। उसके लिए क्या चाहिए? एक परमात्मा से अटूट प्यार, अटूट। उससे ज्यादा और किसी से प्यार है ही नहीं, क्योंकि सब देख लिया, सब झूठे और सब धोखेबाज है। अब कितना और एक्सपेरिमेंट करोगे? अभी भी मन नहीं भरा, अभी भी लगता है इसको पकड़ू, उसको पकड़ू, ये छूटा तो वो छूटा तो वो। जैसे वो होता है ना अर्थी, उसमें कंधा बदलते हैं ना, इधर का थक गया तो फिर इधर, इधर का थक गया तो इधर, वैसे छोड़ते रहते पकड़ते रहते, छोड़ते रहते पकड़ते रहते। इस संसार का कोई भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे कितने ही गुणवान क्यों ना हो, कितना ही हमें फॉलो करने वाला क्यों ना हो, हमारा ध्यान, देखभाल, केयर, अटेंशन, सब कुछ करने वाला, सब अपूर्ण है। तो कॉन्स्टेंट अटेंशन एंड कॉन्स्टेंट दृढ़ता, दृढ़ता लानी है। जो भी करो छोटे छोटे करो, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, पर दृढ़ता वाले। जैसे सिंपल, कल सुबह मुझे 3:30 बजे उठना है, जो कभी 4 बजे रोज उठता है वो संकल्प करो 3:30 का, देखो क्या होता है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, 10-10 मिनट पीछे, 15-15 मिनट पीछे जाओ, अपने आप सब होगा। तो लैब, थॉट लैब एक, उसके बाद में टू डू की लिस्ट दी है, 6 बातें करनी है इस मुरली में बाबा ने कहा। कौन सी 6 बातों में आगे बढ़ना है, कौन बताएगा? एक, पुरुषार्थ में। दूसरा, अमूल्य ब्राह्मण जीवन में। तीसरा, लिस्ट दी है, तीसरा संकल्प में। अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाते जाना है, संकल्पों में आगे बढ़ना। अगला, बुद्धि में आगे बढ़ना। बुद्धि में आगे बढ़ना अर्थात निर्णय शक्ति। स्लोगन में कहा है ना, माया को जो दूर से पहचान लेता है वो समर्थ है। निर्णय, सारा जीवन, सारा दिन भर हमें निर्णय तो करना होता है, परखना होता है, निर्णय करना होता है, परखना होता है, निर्णय करना। अमृत वेला उठू नहीं उठू, मुरली क्लास, मुरली सुनू नहीं सुनू, पढ़ू नहीं पढ़ू, निर्णय। ये खाऊं या वो खाऊं, दो चीजें रखिए, ये खाऊं या वो खाऊं, निर्णय। इससे मिलूं या नहीं मिलूं, इधर जाऊं या नहीं जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा है या क्या है। अगला, वाणी। मुरली में विस्तार किया है बाबा ने, ऐसे ही नहीं निकलता है, जो भाव और भावना होगी ना तभी निकलेगा। तो तुम राजा कैसे हुए? तुम्हारी कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गए क्या? कंट्रोलिंग पावर कहाँ है? ऐसे ही निकल गया, ऐसे कैसे निकल गया, बाबा ने पूछा। और फिर अगला, संबंध संपर्क। जिसके भी संपर्क में आओ, क्या उसे कोई ना कोई अनुभव हो, प्राप्ति हो। तो ये 6 बातें हैं जो करनी है, पुरुषार्थ में, आगे इस जीवन में, आगे वाणी में, पश्चाताप नहीं, बुद्धि में, उसके बाद में संबंध संपर्क में, और एक है कोई, संकल्प में, श्रेष्ठ संकल्प। फिर टू डू की लिस्ट हो गई, उसके बाद में टीचर से विस्तार किया, टीचर अर्थात फीचर से फ्यूचर को, बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाली, फ्यूचर को स्पष्ट करने वाली। टीचर अर्थात जिसके भी संपर्क में आए उसको बाप दादा का पालना का अनुभव कराने वाली। टीचर अर्थात सबकी कनेक्शन बाबा से जोड़ने वाले, हर दिल से निकले बाबा। टीचर अर्थात गुरु भाई, टीचर अर्थात, टीचर अर्थात जिम्मेवारी का ताज, मुरली का तख्त, बोला ना, मुरली सुनना ना नहीं केवल धारण भी करना, ये सब टीचर्स के बारे में। फिर पांडव को भी याद किया, पांडव तो बैकबोन के भी बैकबोन है,
विश्व किशोर भाऊ और आनंद किशोर दादा को याद किया बाबा ने। उसके बाद में विदेशियों के ग्रुप्स बताए, कौन कौन से ग्रुप बैठे हैं, तीन ग्रुप बताए, कौन से, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। और पुराने ग्रुप्स को याद किया, डिवाइन यूनिटी और कौन सा, मनोर और सुप्रीम पार्टी। तो पुरानी यादें बीच में आ गई। और क्या कहा है मुरली में, टीचर्स की मुलाकात, विदेशी कुमारों से मुलाकात, विदेशी टीचर से मुलाकात, भारत की टीचर से मुलाकात, पांडवों से मुलाकात, और 15 दिन की वो बात कही। पर वो पॉइंट आते आते दूसरा चालू हो गया, कहाँ वो गुम हो गया बीच में। और दादियों से, तो ये थी आज की मुरली। तो इसमें मुख्य काम किस पे करेंगे, सबसे पहला अमर भाव के वरदानी सत्वचन, तुम्हारे जो बोल है भक्ति मार्ग में, सत्वचन महाराज के रूप में, महाराज अर्थात महान आत्मा, वचन अर्थात तुम्हारे बोल। तो सबसे पहला अमर, दूसरा बताया विशेषता, तीसरा बताया निरंतर दृढ़ता और निरंतर अटेंशन, चौथा बताया, चौथा काम करना है, ये सब बातों में काम करना है। फीचर्स, F फॉर फीचर्स, ये सारे फीचर्स, E फॉर एक बाप दूसरा ना कोई, जो कि वरदान में है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे अमर भाव के वरदानी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा और शिव बाबा के कौन क्या देखकर हर्षित होते हैं, रूहानी पुष्प हो, कौन से, दिल के प्यार के रूहानी पुष्प, शेक्सपियरियन हिंदी। अगला, ऐसे विशेषताओं को परमात्मा देन समझने वाले, ऐसे कर्मात्म कार्य में लगाने वाले, ऐसे स्वयं में परमात्मा शक्तियां भरने वाले, ऐसे 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 अल्पकार के सहारे को छोड़ने वाले, सब धोखेबाज है, एक बाप ही छत्र छाया ये जानने वाले, माया को दूर से पहचानने वाले, समर्थ बनने वाले, ऐसे निरंतर अटेंशन, निरंतर दृढ़ता, ऐसे हो गया, ऐसे 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 रूहानी मस्ताने, ऐसे शक्ति ग्रुप, ऐसे मनोहर पार्टी, ऐसे सुप्रीम पार्टी, ऐसे मंत्रमुखी, ऐसे नॉलेजफुल, नॉलेजफुल नहीं, ऐसे अलबेलापन से मुक्त, ऐसे ऐसे अमोभाव के वरदानी, ऐसे हो गया, ऐसे अपने फ्यूचर से बाप को साक्षात्कार कराने वाले, फ्यूचर को स्पष्ट करने वाले, दूसरी आत्माओं को बाप की पालना का अनुभव कराने वाले, दूसरी आत्माओं को बाप से, दूसरी आत्माओं का बाप से कनेक्शन जोड़ने वाले, हर दिल से निकले नाभा, ऐसे छह बातें करने वाली है हर बोल महावाक्य हो, ऐसे 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 बाप की छत्र छाया हो गया, ऐसे सारे खजानों के इकोनॉमी के अवतार बनने वाले, ये तो है वरदान, याद प्यार में है, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे जो बचे हुए सारे सोमान में रहने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।